हेलो बच्चों, 10th का रिजल्ट आ चुका है और आप सब ने अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया है। तो जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है उन सबको मेरी तरफ से बधाई हो। अब रिजल्ट से रिलेटेड कुछ हाईलाइट है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। रिजल्ट वैसे बहुत ही जबरदस्त रहा है, शानदार रहा है, बिल्कुल बूम कर रहा है रिजल्ट। इस बार जो ओवरऑल रिजल्ट आया है 91.46 है, जो लास्ट ईयर यानी 2019 के रिजल्ट से थोड़ा सा हायर है, थोड़ा सा हायर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.36 का ही डिफरेंस है। इस बार फिर से जो ट्रेंड पहले से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज पर डोमिनेट कर रही हैं। जी हाँ, वो ट्रेंड हमें फिर से दिख रहा है। 93.31% जो गर्ल्स हैं उनका ओवरऑल रिजल्ट है, और बॉयज भी पीछे हैं बट बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 90.14। आखिर 90s में भी बच्चे हमारे बॉयज जो है वो एंटर कर रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी है उसमें रिजल्ट थोड़ा लोअर साइड में है, 78.95%। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मॉडरेशन पॉलिसी लगती है जिससे रिजल्ट बहुत ऊपर जाने लगे हैं। 95% से ज्यादा जिन्होंने स्कोर किया है वो है 41,804 स्टूडेंट है जिन्होंने 95 या उससे अबव स्कोर किया है। इसी तरह जो 90% और हायर हैं जिन्होंने स्कोर किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, 1,84,350 है, जो कि 12th से भी बहुत ज्यादा है। देखिए, 12th में जो ये नंबर था ये 1,57,000 था, जो स्टूडेंट 90% या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे थे उससे तो ये काफी ज्यादा है। अराउंड 47,000 स्टूडेंट्स, 47 तो नहीं, 37,000 स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा है। अगेन, जैसा कि अपने 12th के रिजल्ट में देखा था कि जो केंद्रीय विद्यालय थे वो बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे रिजल्ट में, 10th क्लास में भी वही ट्रेंड हमें सामने मिल रहा है कि जो केवी है उनकी तो परसेंटेज ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आ रही है केवी की, 99.23। लगता है कोई बचा ही नहीं है फेल होने वाला सर। गवर्नमेंट एडेड जो बेचारे काफी कमजोर साबित हो रहे हैं, 77.23, 28 बहुत कम परसेंटेज है। देखिए, इस बार सीबीएसई ने 12th में और 10th में दोनों में ही मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं किए कि किसने फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, इस तरह की मेरिट लिस्ट सामने नहीं आई है। एक बहुत अच्छा कदम और उठाया गया है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है वैसे, कि जो फेल टर्म यूज किए जाते थे मार्कशीट में, फेल, रमेश फेल, सुरेश फेल, ऐसा नहीं रहा। अब फेल टर्म को रिप्लेस कर दिया गया है इशेंशियल रिपीट से। इस बार मार्कशीट में आपको कहीं पर भी फेल नहीं मिलेगा, इशेंशियल रिपीट मीनिंग वही है कि आपको दोबारा रिपीट करना है, बट फेल थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं। इस बार जो बच्चे टोटल रजिस्टर्ड हुए थे वो 18,85,000 के आसपास के थे, जिसमें से जो अपियर हुए हैं वो 18,73,015 स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं, और जो पास हुए हैं बहुत बड़ी फिगर है, अगर आप 87,73,015 का 91.4% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 17,13,121। यानी कि ये जो पासिंग परसेंटेज निकाली जाती है ये अपियर्ड के बिहाफ पे निकाली जाती है, ना कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम दिए ही नहीं उनका कैसे आप कंट्रोल, कैसे कंसीडर करें। कंपार्टमेंट भी ठीक ठाक है बच्चों की, तकरीबन 1.5 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। ज्यादातर बच्चों की जो कंपार्टमेंट होती है वो मैथ और साइंस जैसे थोड़े जटिल सब्जेक्ट में होती है। बच्चे हिंदी में बहुत अच्छा कर जाते हैं, इंग्लिश में भी कर जाते हैं, एसएसटी में भी संभव कर जाते हैं, बट मैथ और साइंस थोड़े से टिपिकल होते हैं तो बच्चों की नैया वहीं पर जाकर फंस जाती है। क्योंकि 15-16 बोर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया, जो टॉप पर हैं वो हमारे साउथ के भाई लोग हैं। त्रिवेंद्रम ने फिर से एक बार टॉप किया है, 12th में भी त्रिवेंद्रम वाले टॉप पर थे और यहां पर भी त्रिवेंद्रम वाले टॉप पर हैं, जबरदस्त है, 99.28, जबरदस्त आउटशाइन कर रहे हैं सबको। चेन्नई भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 98.95, बेंगलुरु 98.23, यानी जो साउथ इंडिया वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस शो कर रहा है। चलिए हम अपने रीजन में आते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में वेस्ट में 85.96 है, और दिल्ली ईस्ट में जहां पर काफी राइट्स देखने को मिले थे ड्यूरिंग एग्जाम, 85.79, जो कि थोड़ा सा ही लोअर है, कुछ ज्यादा लोअर नहीं है, क्योंकि बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर भी ज्यादा था, एग्जाम वगैरह भी यहाँ पर कैंसिल हुए थे। जो कंपार्टमेंट वगैरह की डेट है वो अभी नहीं आई है, तकरीबन 1.5 लाख बच्चे हैं जिनका सीबीएसई दोबारा एग्जाम कंसिडर करेगा, राइट। तो 10th क्लास एक बेसिक क्लास होती है,
जो बच्चा अपने लाइफ में पहला बिग पेपर देता है जिसको बोर्ड का एग्जाम कहा जाता है वो 10th क्लास का होता है, जहां से उसके जीवन की तीन दिशाएं निकलती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। बच्चा अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार और अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार और अपनी चॉइस के अनुसार वो स्ट्रीम में जा सकता है। तो जो भी बच्चा जिस स्ट्रीम से उसको प्यार है, पहली बात तो उसको वही स्ट्रीम चूज करनी चाहिए जिससे वो एक्चुअल में प्यार करता हो। ऐसा नहीं कि नंबर तो आ गए लेकिन साइंस में रुचि ही नहीं है और जबरदस्ती साइंस ले ली, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चे के मार्क्स आ गए, पेरेंट्स क्योंकि कॉमर्स लाइन के हैं तो भी बच्चा कॉमर्स में चला जाए, ये भी जरूरी नहीं है। बच्चे की चॉइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही उसको इन तीनों में से कोई एक स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, क्योंकि तीनों का ही अपना अपना एक अलग अलग दायरा होता है, राइट। सो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है उनके लिए गुड लक वंस अगेन, और जिन्होंने नहीं भी कर पाए अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 10th क्लास आपके जीवन का ये पहला ही तो एक एग्जाम था। अभी तो आपको बहुत एग्जाम देने हैं, बहुत आगे जाना है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ में बस मेहनत कीजिए और फोकस होकर ही मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।